नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी हम हिलसा के कमता में हैं, जहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैट्रिक का दसवां का रिजल्ट आया है और हिलसा क्षेत्र का लगातार नाम रोशन करने वाले कई छात्र हैं। आपको हम बता दें कि पहले भी हम कहते रहे हैं कि नालंदा टॉपर हिलसा के क्षेत्र से लगातार तीन बार रहे हैं, लेकिन इस बार जिला टॉपर नहीं बल्कि स्टेट में नाम कमाने वाले दो छात्र हैं। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक के आए रिजल्ट के बाद नौवां स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल दल्ली भुया के एक छात्र विश्वजीत कुमार हैं, जिनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार करते हैं, बताइए कि आपको बधाई हो, आप नौवां रैंक लाए हैं स्टेट में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप बताइए कि आप रिजल्ट आने के बाद आपके आसपास या गांव में क्या माहौल चल रहा है? मेरे आसपास और गांव में यही माहौल चल रहा है कि जैसा कि मैंने जो रैंक प्राप्त किया है उसके आधार पर मुझे बहुत सारी बधाइयां भी मिली है, शाबाशी का मैं पात्र बना हूं। कहा जाता है ना कहीं अगर कोई टॉप करता है तो कोई श्रेय होता है, आपके कौन श्रेय हैं जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं? मेरे श्रेय जो हैं वो शिक्षकगण और मेरे माता पिताजी हुए। कहा कि कोविड-19 के कारण सभी जगह विद्यालय बंद था, करीब 14 महीना विद्यालय बंद रहा, अभी 1-2 महीने से विद्यालय खुला है, फिर भी आपने इतना अच्छा मेहनत किया और प्रदर्शन आपका जो है पूरे राज्य लोग जान रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं कोविड-19 की वजह से मेरा स्कूल काफ़ी दिनों तक बंद रहा, ट्यूशन कोचिंग भी बंद था, तो मैं अपने सेल्फ स्टडी के आधार पर घर पे माता पिता के दबाव में आकर या फिर जो भी आप कह सकते हैं कि मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और मैं इस रैंक पे आज प्राप्त किया। नौवां रैंक लाए हैं आप? नौवां रैंक लाए हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अब जानेंगे एक और भी आपके साथ बहन भी है जो मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं, क्या नाम है आपका? शमी जी, आप बताएं कि आप भी मैट्रिक में अब फर्स्ट डिवीजन लाए, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि हम टॉप 10 में नहीं आ पाए। एक भाई टॉप 10 के अंदर नौवां रैंक है और आइए और भी, अब हम जानेंगे इनके माँ से, आपको कैसा लग रहा है आप बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम सोचे भी नहीं थे कि मेरा बच्चा इतना आगे जा सकता है। चलिए, यानी गांव में पूरे गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि टॉप 9 आए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक रिजल्ट में। अब इनका जो सपना जो है, पोजीशन भी कम लाया है जितना मैंने, जो सपना आपका है क्या बनने का सपना है? मेरा आगे सपना है डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं आप? मैं गरीबों को सेवा करना चाहता हूँ। गरीबों को सेवा करना चाहते हैं जी। चलिए अच्छी बात है, आगे का पढ़ाई के लिए आप क्या सोचें कि कहाँ पढ़ाई करेंगे, हिलसा, पटना या कहीं और? जहाँ मुझे सुविधा मिले वहाँ मैं पढ़ाई करना चाहूँगा। वैसे में आपके माता पिता क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? मेरे पिताजी एक किसान हैं, साधारण किसान, और मेरे माता जी घर में काम कर देती है। ओह, यानी हर हाल में स्कॉलरशिप अगर मिलती है तब आप राजधानी जैसे शहरों में जाके पठन पाठन कर सकते हैं। जी जी, ऐसे में आर्थिक स्थिति किसानों की है फिलहाल, इसके बाद अगर नहीं मिली तो आप कमता में रहकर हिलसा में रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, यही ना जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।